Inspired School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. श्रीनगर के आलमदार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका का चलते सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का शव अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ के स्थान से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के कई बार मौके दिए, परंतु वो नहीं माने, नतीजा मारे गए। आतंकी राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत बनाने और आतंकियों की विभिन्न प्रकार से मदद करने के आरोप में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता व युवा इकाई के अध्यक्ष वाहिदुर रहमान परा की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। बीते 5 महीने में दूसरी बार उनकी जमानत याचिका रद्द हुई है। वाहिद परा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के काफी करीबी माने जाते हैं। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर तैयार हो गया है। इसी क्रम में जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है। ये सिस्टम ड्रोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण केबल कार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। दूसरे चरण का उद्घाटन पिछले साल ही हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से पीरखो से महामाया मंदिर तक केबल कार शुरू नहीं हो पाई थी। उद्घाटन के बाद पीरखो से महामाया और महामाया से बाहु फोर्ट के दोनों फेज पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। एक तरफ बाहु फोर्ट का किला और दूसरी किनारे बसे पुराने जम्मू शहर का नजारा लोगों को काफी आकर्षित करेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा पुलिस 14 आरआर और 3rd बटालियन सीआरपीएफ ने लश्कर संगठन के 3 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से गोला बारूद, नकली सिम कार्ड, नकली दस्तावेज व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। ये तीनों लश्कर तैयबा संगठन के लिए काम करते थे। आतंकियों को आगे बढ़ने के लिए नकली सिम कार्ड मुहैया कराते थे। सीआईडी ने सेंट्रल जेल जम्मू कोट बलवाल में छापेमारी की। इस दौरान 10 मोबाइल फोन, 4 पेन ड्राइव, मोबाइल चार्जर और हेडफोन बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी ने जेल प्रशासन की व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोट बलवाल जेल में कई आतंकी व कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। ऐसे में कड़ी सुरक्षा वाले इस जेल से मोबाइल मिलना काफी गंभीर मामला है। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत के 50वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 29 आरआर के जंगम आरबी कैंप ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन 24 जून 2021 को हुआ था। इस टूर्नामेंट में पड़ोसी गांव की 16 टीमों ने भाग लिया था। वहीं बीते दिन फाइनल मैच खेला गया, जिसे शेरपुरा 11 ने 9 रन से जीता। मैच के बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला रामबन के बनिहाल तहसील में प्रशासन के फूड इंस्पेक्टर्स द्वारा बाजारों में सामान की चेकिंग के दौरान फल, सब्जी, किराना, खाने पीने की दुकानों से 10,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कई दुकानदार तय रेट से ज्यादा सामान बेच रहे थे। वहीं सड़ी गली सब्जियां, फल, मिठाइयों को भी नष्ट किया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। बांदीपुरा में पर्यटन विभाग कश्मीर द्वारा आयोजित किया जा रहा गुरेज महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिवल के दौरान कैंपिंग, ट्रैकिंग, एंगलिंग व अन्य कई मनोरंजक कार्यक्रमों जैसे कई साहसिक गतिविधियों को आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए डायरेक्टर टूरिज्म गुलाम नबी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य गुरेज घाटी को देश भर के पर्यटन स्थलों से जोड़ना है। कार्यक्रम के इतर डायरेक्टर ने गुरेज घाटी के इलाकों का भी दौरा किया। कुलगाम पुलिस ने नशे और नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में एक सूचना मिलने पर SHO कुलगाम जाजी मोहम्मद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर एक घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया, साथ ही तस्कर को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके कब्जे से 300 kg पॉपी स्ट्रॉ जब्त की गई है।